हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी. वेलकम. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट से मेंबरशिप का नया लेवल स्टार्ट कर दिया है. तो अब अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ पे करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर. मेंबर बनने पर आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, यानी क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, ये आप ज्वाइन बटन को जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेंबरशिप में आपको क्या मिल सकता है. वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं टैरो का मंथली एक क्लास देती हूं टैरो की. वहां पर टैरो की इन डेप्थ आपको जानकारी वहां पर हो सकती है. लाइव मेडिटेशन सेशन, हीलिंग सेशन और लाइव क्वेश्चन आंसर्स. आप टैरो के थ्रू अपना एक क्वेश्चन कर सकते हैं मंथली, पर मंथ आप अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको टैरो के थ्रू उसका आंसर मिल सकता है. तो और पिक ए कार्ड रीडिंग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है चैनल के ऊपर. तो अगर आप ये सारे फायदे उठाना चाहते हैं तो आप जल्दी से वीडियोस के नीचे दिए हुए मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए. वहां पर 199 पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए. मास्टर कार्ड के पेमेंट से वहां पेमेंट कीजिए और आप बन जाएंगे माइंडफुल जर्नी के मेंबर. वहां पर अभी आपको एक और भी लेवल नजर आ रहा होगा 299 का. आप उस लेवल को मत ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वो लेवल मैं बहुत जल्दी बंद करने वाली हूं. अभी तक मैंने उसको डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स उस लेवल में है और मैं इंतजार कर रही हूं कि वो जब स्विच ऑन कर जाएंगे दूसरे लेवल के ऊपर उसके बाद मैं उस लेवल को डिलीट कर दूंगी. क्योंकि अगर मैंने अभी उसको डिलीट किया तो उन लोगों के जो 100 रुपीज का रिफंड उनको जो होना है, अगर उन्होंने ज्वाइन किया और एक महीना नहीं हुआ है तो उनका जो एक्स्ट्रा पेमेंट बनता है वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा. इसलिए मैं अभी वेट कर रही हूं कि सारे पुराने मेंबर्स नए चैनल लेवल पर जंप कर जाएंगे, उसके बाद में 299 वाला चैनल लेवल में डिलीट कर दूंगी. आप सभी इन्वाइटेड हो, मोस्ट वेलकम. मेरे चैनल के मेंबर बनिए, हम साथ मेडिटेशन करेंगे, मैं आपको वहां हीलिंग सेशन दूंगी, बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स हम करते हैं जब हम लाइव सेशन में होते हैं और मुझे आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होकर वहां पर अच्छा लगता है. तो प्लीज जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या फिर किसी तरह के मोटिवेशनल टॉक्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर से जल्दी से मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए. अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जरूर से आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप कीजिए, 7424830300 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. वहां पर मेरे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको बुकिंग ले सकते हैं. और मैं आपको याद दिला देती हूं कि जुलाई में मेरे चैनल को एक साल पूरा होने वाला है, तब मैं अपने चैनल के जो रीडिंग की जो रेट्स हैं उनको मैं इंक्रीज करूंगी. और उससे पहले अगर आप विचार कर रहे हैं अभी तक कि आप मुझसे एक रीडिंग लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है. 10-15 दिन मई के और जून पूरा महीना आपके पास में है, बुक करवा लीजिए. जुलाई में अगर आप फिर बुकिंग लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा. और अगर आप एक शॉर्ट रीडिंग लेना चाहते हैं अपने लिए तो जरूर से आप शॉर्ट रीडिंग ले सकते हैं. फिलहाल उसके भी चार्जेस केवल 1000 रुपीज हैं. 15 मिनट की रीडिंग होती है, उसमें 3 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो टैरो के माध्यम से, मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करती हूँ. लॉन्ग रीडिंग सेशन ले सकते हैं 2500 रुपए के पेमेंट पर और अर्जेंट रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं 5000 रुपए के पेमेंट पर. तो ये हुए मेरे अनाउंसमेंट्स. और मेरा दूसरा चैनल फूड्स फन और फैक्ट्स, मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे. उस चैनल पर मैं इंग्लिश वीडियोस और इंग्लिश मोटिवेशनल टॉक्स को रिलीज करती रहती हूँ. जो भी मैं रीडिंग करती हूँ उसकी पहले इंग्लिश चैनलिंग होती है. उस चैनलिंग को मैं उस चैनल पर फूड्स फन फैक्ट्स पर रिलीज करती हूँ. उसी चैनलिंग के आधार पर ब्लॉग पोस्ट तैयार होती है जो मैं अपने ब्लॉग पर मैं उसको रिलीज करती हूँ. उनकी जानकारी आपको मेरे कम्युनिटी टैब पर मिल जाती है और उसके बाद में मैं उसी रीडिंग की हिंदी चैनलिंग करती हूँ आप लोगों के सामने. हिंदी और इंग्लिश रीडिंग की चैनलिंग करते समय मैंने पाया है कि चैनलिंग डिफरेंट आती है. 70-80% सेम चैनलिंग होती है, लेकिन जब मैं हिंदी रीडिंग करती हूँ तो मुझे और नए मैसेजेस निकल कर आते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंग्लिश में मैंने जो चैनलिंग की थी उसके कुछ मैसेजेस यहाँ पर रिपीट नहीं होते हैं. तो आप अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप दोनों ही वीडियोज को आप चेक कर लें, आप ब्लॉग पोस्ट को भी चेक कर लें, ताकि आप जो भी जानकारी पाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्प्रेड से वो जानकारी आपको मिल सके. इसके अलावा मैं कुछ और भी कहना चाहती थी.
भूल गई मैं अभी फिर मुझे कभी याद आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में अनाउंस कर दूंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन सोल्स जर्नी। डिवाइन मैस्कुलिन की सोल जर्नी कैसे चली, कैसे इसकी सोल ने आने से पहले क्या डिसाइड किया था, क्या पर्पज लेकर ये अपनी इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, अपनी सोल को इस 3D लेवल पर लेकर आए हैं, क्या इनकी जिंदगी में आपसे मिलने के बाद में इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, इनके जीवन में ओवरऑल क्या परिवर्तन आया, इन्होंने आपसे मिलने के बाद या इस कनेक्शन या इस लव से इन्होंने क्या सीखा और इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकल के आने वाला है, इनकी लाइफ के लिए इसका ओवरऑल आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। जैसे मैंने डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग की थी वैसी ही ये डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग है। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लास्ट जो मैंने रीडिंग की थी वो डिवाइन फेमिनाइन सोल जर्नी रीडिंग थी, उसकी ब्लॉग पोस्ट भी है, उसका इंग्लिश वर्जन और उसका इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है। तो यहां पर भी मैंने वही डेक्स यूज लिए हैं जो मैंने डिवाइन फेमिनाइन के रीडिंग में यूज किए थे, साथ ही मैंने क्वेश्चंस भी वही रखे हैं जो क्वेश्चंस मैंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए पूछे थे, वही क्वेश्चंस मैंने यहां पर फिर से पूछे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास में जवाब निकल कर आया। एक्चुअली मुझे इस गाने की चैनलिंग हुई थी जिस दिन मैंने डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग पोस्ट की थी, उसके जस्ट बाद में मुझे गाने की चैनलिंग हुई थी। दैट वॉज वो देवानंद का सॉन्ग था, है अपना दिल तो आवारा, यस है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। ये वाला जो मैंने सॉन्ग जब मेरे को चैनल हुआ था और उसके बाद में मैंने इसको सुना जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, और मुझे सुनने के अलावा इसके जो पिक्चराइजेशन है ना, दैट वॉज ऑल्सो सेंडिंग मैसेजेस। आप भी इस गाने को जाकर देखेंगे है अपना दिल तो आवारा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ही इज लाइक अ वेगाबॉन्ड सोल, वो एक आवारा तरह का इंसान है जो कि, और डिवाइन फेमिनाइन को ट्रेन में मिलता है। अगेन वापस मैंने आपको कहा ना, ट्रेन का इस पता नहीं इस डिवाइन कपल से ट्रेन का पुराना संबंध है, इस गाने में भी ट्रेन के अंदर ये गाना है और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो गाना गा रहा है और वो एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन को एक तरह से जैसे टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत ही जेंटल लेडी, वहीदा रहमान आपको पता है शी इज सच एलिगेंट लेडी, तो एक बहुत ही एलिगेंट सी डिवाइन फेमिनाइन है, उसके साथ में उसका सोलमेट बैठा हुआ है और उसका सोलमेट इतना जेंटल है कि वो इस सारा चीजें देख रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। डिवाइन फेमिनाइन भी समझ रही है कि ये पर्सन यानी जो डिवाइन मैस्कुलिन वो कितना ही इज लाइक मंकी जंपिंग एवरीवेयर, वो हर जगह पे कूदा फांदी कर रहा है, वो छेड़ रहा है, वो जैसा कि डिवाइन मैस्कुलिन को आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सिंसियरिटी और मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर और वो डिवाइन फेमिनाइन के अराउंड कूदा फांदी करते रहता है, उसको परेशान करते रहता है, ना ही तो उसकी लाइफ में वो कंप्लीटली या कंसिस्टेंटली रहता है, ना ही वो उसकी लाइफ से डिसअपियर होता है, वो आसपास उसके आसपास बना रहता है, ट्राई करता रहता है, उसको ट्रिगर करने की ट्राई करता रहता है। ये सेम सिचुएशन इस सॉन्ग की निकल कर आई है, तो इसकी लिरिकल जो मैसेजेस है वो भी मेरे को समझ में आए और उसके जो जो पिक्चराइजेशन से जो मैसेजेस निकल कर आए वो भी मुझे समझ में आए। उसके बाद में मैंने उसको कार्ड्स पुल करने शुरू किए। शफलिंग का जो वीडियो है आपके इस वीडियो पर तो मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है समय को छोटा करने के लिए, लेकिन जो इंग्लिश चैनल है वहां पर मैंने विद सॉन्ग उस गाने के साथ में मैंने उसकी शफलिंग करते हुए जब मैंने कार्ड निकाले, मैं इतनी आई वॉज लाइक सरप्राइज कि उसमें जो आवारा वर्ड का जो मतलब था, कैसे मुझे स्पिरिट ने मैसेज दिया यहाँ पर, फ्रीडम एंड ट्रेवल है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, इस वर्ड टू वर्ड इस गाने का जो लाइन थी वो यहाँ इन दो कार्ड में निकल कर आई है, फ्रीडम ट्रेवल, फ्री ट्रेवल है अपना दिल तो आवारा। तो मुझे एकदम से क्लिक हो गया कि हाँ ठीक है, गाने की चैनलिंग के अकॉर्डिंग ही रीडिंग निकल के आ चुकी है और बाकी के मैसेजेस भी लगभग उसी तरह के मैसेजेस थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि एक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वैसे कुछ लोग मेरे को 99% लोग तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बोलती बहुत ज्यादा हो, आप बातें बहुत ज्यादा करती हो, आप डायरेक्टली मैसेज नहीं देती है। लेकिन आप शायद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रही हूँ कुछ बेकार की बातें हैं या डायरेक्ट मैसेज पे आ जाना चाहिए, डायरेक्ट कार्ड के इंटरप्रिटेशन पे मुझे आ जाना चाहिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस कैमरा के ऑन होने के बाद में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सभी डिवाइन मैसेजेस ही हैं।
तो वो मैं कार्ड के थ्रू बोल रही हूँ या बिना कार्ड के बोल रही हूँ, आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ से जो कुछ भी डिलीवर किया जा रहा है, वंस ये कैमरा ऑन हो जाता है उसके बाद में जो कुछ भी यहाँ से निकल कर आ रहा है, दैट ऑल आर डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। तो आप प्लीज मुझे ये कमेंट ना करें, और कुछ ऐसे ही इरिटेटिंग कमेंट्स की वजह से ही मैंने अपने पुराने वीडियोस पर कमेंट्स को ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं बड़े प्यार से और मेरे अंदर कुछ मैसेजेस भरे हुए होते हैं जिनको डिलीवर करने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ, और मेरे पास अपना फैमिली है, अपना घर है, ठीक है ना। तो और मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारा मेरे पास ऑलरेडी वर्कलोड होता है, स्टिल मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि बस अपना काम निपटा करना चली जाऊँ। ये 7 कार्ड निकल कर आए, बस फटाफट से 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, मैंने देख लिया, मेरे व्यूज आ गए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए। ये मेरा पर्पज ही नहीं है, इसीलिए मैं जब यहाँ पर बैठती हूँ पूरा समय लेकर बैठती हूँ कि मैं मेरे अंदर इस स्प्रेड से रिलेटेड जो कुछ भी डाउनलोड्स हैं वो एसेच मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मैं एक एक घंटे के वीडियोस बनाती हूँ, स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात अधूरी रह गई, मेरा मैसेज पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाया। और इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश चैनल को स्टार्ट किया, ताकि कि अगर कुछ और बच गया हो तो वहां निकल जाए। मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया, अगर कुछ और बचता हो तो वहां निकल जाए। और उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लास्ट में हिंदी वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ कहना है इस स्प्रेड के बारे में, मुझे अभी और कुछ कहना है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रूपरेखा ज्यादा बनाती हूँ, या फिर मैं ओवरली चीजों को रिपीट करती हूँ, या मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर जो मैसेज है वो तो मैसेज तो मैं डिलीवर करूंगी ही करूंगी। जिन्हें सुनना है उन्हें वो सुने, और जिन्हें ना सुनना है वो ना सुने। मुझे ये कमेंट नहीं देखना है कि आप डायरेक्ट मैसेज पर आओ या आप डायरेक्ट रीडिंग पर आओ। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, वो ही इज लाइक, उसकी दो तरह की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन के अंदर मैंने कभी भी यह बात नहीं की, और मैंने ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है, मतलब ये तो ठीक है यहाँ पर निकल कर आया, क्योंकि आज पर्टिकुलरली मैंने डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग करी इसलिए ये बात यहाँ पर निकल कर। मैं अपने सेल्फ जर्नी में ये बात ऑलरेडी जानती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो वो बाहर से दिखता है, ही इज नॉट द पर्सन, ही इज नॉट दैट सोल। उसका सोल का मिशन कुछ अलग है, वो सोल लेवल पर वो कुछ अलग है, और जो वो दिखा रहा है वो कुछ अलग है। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस तरह का जो सोल पर्पज होता है ना, इस तरह का बाइफर्केटेड सोल पर्पज इस डिवाइन मैस्कुलिन का है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग में मोस्टली टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज्यादा आता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन दो अलग तरीके से काम करा, 3D लेवल पर अलग शो ऑफ करा, अलग तरीके से काम करा, 5D लेवल पर वो अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो रीडिंग है ना, ये क्लियर कट बताती है, क्योंकि हम सोल जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इस डिवाइन मैस्कुलिन की सोल जर्नी बिल्कुल क्लियर है कि वो 3D लेवल पर जो आपको शो कर रहा है, 3D लेवल पर वो जो आपको दिखा रहा है, दैट इज नॉट वॉट एक्चुअली ही इज, वो कुछ और ही है। और वो क्या है वो आज इस रीडिंग में निकल कर आया। एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन क्या है, एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन का सोल पर्पज क्या है, वो इस रीडिंग के अंदर निकल कर आया है। और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने कार्ड आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया होगा, जो आज का स्प्रेड है वो आज के आपके सामने डिस्प्ले किया, 7 कार्ड्स मेरे पास में यहाँ पर आए हैं, और वही सेम क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए थे जो फेमिनाइन के लिए मैंने किए थे। तो पहला कार्ड जो हमारे पास में आया है, जो बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड आया था ना, वो फ्रीडम कार्ड था। ये बॉटम ऑफ द डेक पर आया था कार्ड, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन का जो एसेंस है, उसकी लाइफ का जो एसेंस है, वो ये फ्रीडम कार्ड दिखाता है। और इस कार्ड में इतने ढेर सारे मैसेजेस हैं, और इस कार्ड के दो पहलू हैं। जैसे इस कार्ड के दो पहलू हैं ना, एक ये पहलू है जहां ओरिजिनल मैसेज लिखा हुआ है, और एक बाहरी आवरण है। उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन का भी एक 3D सेल्फ, एक बाहरी आवरण है जो दुनिया को नजर आता है। जब हम इसको ऐसा करके, जब आप ताश के पत्ते खेलते हो तब आप ऐसे करके देखते हो, लोगों को तो ये फेस नजर आता है, लेकिन क्या है एक्चुअल में उस कार्ड में, क्या है
वो किंग है या क्वीन है या जोकर है, वो आपको आपकी फेस पर नजर आता है। तो जो सत्य के सम्मुख हो जाता है, जब एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन जब सत्य का दर्शन कर लेती है, जब एक कॉन्शियसनेस एक अवेकनिंग लेवल पर पहुंच जाती है ना, तब उसको डिवाइन मैस्कुलिन का ये वाला फेज जो पहले नजर नहीं आता था, वो फेज उसको नजर आता है। चाहे भले ही दुनिया डिवाइन मैस्कुलिन को अभी भी उसके बाहरी आवरण, बाहरी खोल, बाहरी कवर के से पहचानती हो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन उसको उसके रियल ट्रू सेल्फ में पहचानती है। इस तरह का ये कार्ड, इस तरह की मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, उसका एक 3D पर्पज है और एक 3D लाइफ है, और उसका एक 5D पर्पज है और एक 5D लाइफ है, और वही इस रीडिंग में निकल कर आया है। और तो अब मैं इस कार्ड को आपको डिस्क्राइब करना शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने इस पर किया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस डिवाइन मैस्कुलिन, इस डिवाइन मैस्कुलिन का पर्पज क्या है, तो शुरुआती जो मैसेज निकल कर आए थे वो तो वही थे, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पर आएगा। यानी डिवाइन मैस्कुलिन का जो 3D सेल्फ है, जिसको नॉर्मली लोग जानते हैं, जिसको ऊपरी तौर पर आप जानते हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो 3D डिवाइन मैस्कुलिन फ्रीडम को, आजादी को पसंद करता है। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, डिवाइन मैस्कुलिन की जो पर्सनालिटी है ना, वो एक आइसबर्ग के समान है। आइसबर्ग का आप जानते हो कि उसका जो टिप होता है, उसका केवल टिप ही पानी के ऊपर है। जो लोग देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, वो एक टिप है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो लोग देख पाते हैं। आइसबर्ग उसके नीचे बहुत गहराई के अंदर होता है और बहुत रहस्यमय उसकी प्रकृति होती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ, डिवाइन मैस्कुलिन की सोल को समझना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी जर्नी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका लाइफ पर्पज है। और जो कुछ ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर आप देख पाते हो, आइसबर्ग का केवल टिप है जो आपको नजर आता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है ना, ये सिर्फ उसका आइसबर्ग का टिप है जो आपको नजर आता है या जो लोगों को नजर आता है। तो आउटर, बाहरी तौर पर अगर 3D लेवल पर देखे तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, ये फ्रीडम को पसंद करता है, ये आजादी को पसंद करता है, इसको एडवेंचर पसंद है, इसको अमीरी पसंद है, इसको पैसा पसंद है, इसको ये वर्कोहलिक है, इसको काम करना पसंद है, इसको दोस्तों के साथ में, वो भी आवारा दोस्तों के साथ में इसको वक्त बिताना पसंद है, लेडीज के साथ में फ्लर्ट करना इसको पसंद है, ब्यूटीफुल यंग लेडीज हो या फिर वेल एस्टेब्लिश रिच लेडीज हो, तो उनके साथ में समय को बिताना इसको जिसे पसंद आता है, इसको मल्टीपल पार्टनर्स को एंटरटेन करना, यानी कि एक से दूसरे पार्टनर, दूसरे से तीसरे पार्टनर पर जंप करते जाना, या एक ही समय में एक से अधिक लोगों के साथ में संबंध बनाना, इस तरह की इसकी टेंडेंसी है। ये ईगोइस्टिक है, इसमें बहुत ईगो है, ये शो ऑफ करता है, ये बहुत ज्यादा दिखावा पसंद करता है, और खासतौर से जब ये औरतों के आसपास होता है तो ये बहुत दिखावा करेगा, इस तरह की इसकी टेंडेंसी होती है। और इसके अंदर इतना ईगो है कि ये चाहता है कि मैं इतना हैंडसम, मैं इतना आई एम वेल टू डू व्हाट एवर, इसको पता नहीं किस चीज का इतना घमंड है कि ये चाहता है कि लेडीज मुझे, वुमेन मुझे चेज करें, मैं लोगों को, लड़कियों को या मैं वुमेन को चेज ना करूं, वुमेन मुझे चेज करें। और इसलिए ये इस तरह का नार्सिसिस्टिक इसकी प्रवृत्ति है, सेल्फिश इसकी प्रवृत्ति है, ये चाहता है कि ये वुमेन जो होती है उनको इस तरह से इम्प्रेस करता है, इम्प्रेस करने के बाद उनकी लाइफ से गायब हो जाता है कि अब मुझे इम्प्रेस करने के बाद मेरा काम खत्म हो गया, अब ये विमेन जो है ये मुझे चेज करें, तो इसके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस तरह का इसका बाहरी आवरण, इस तरह से इसका 3D सेल्फ है जो दिखावा करता है, लेकिन इंटरनली ये अपने सोल मिशन पर ही है, इंटरनली ये अपने सोल मिशन पर, इसकी सोल का काम क्या है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसकी सोल यहाँ पर क्यों आई, इसकी सोल यहाँ पर आई है ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अवेकनिंग देना चाहता है, ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को उसकी सोल अवेकनिंग में एंटर करवाना चाहता है, ये इसका सोल मिशन है। ये वो हर हरकत कर रहा है, ये वो हर हरकत कर रहा है, ये हर तरीके से डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर कर रहा है, ये हर तरीके से डिवाइन फेमिनाइन को परेशान कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके से इस डिवाइन फेमिनाइन की सोल जागृत हो जाए, ये अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चली जाए, ये अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चली जाए। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन का जो ओरिजिनल पर्पज है ना, वो आपको परेशान करना नहीं है, वो आपको धोखा देना नहीं है, या उसका मेन पर्पज मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में लाइफ एंजॉय करना नहीं है। ये इस तरह की नेगेटिव लाइफ उसने अपने लिए खुद ने स्वीकार करी है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। कैन यू इमेजिन, क्या इतना बड़ा सेक्रीफाइस
आपने इमेजिन किया है कभी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस आपके लिए किया है कि उसने अपने लिए एक ऐसी लाइफ चुनी है जिसमें कार्मिक्स हैं, जिसके अंदर उसको ईगो के साथ डील करना पड़ रहा है, जिसमें उसको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील करना पड़ रहा है और उसको इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है जैसे कि वो एक विलन है, आपकी लाइफ का विलन है। ऐसा प्रोजेक्ट वो अपने आप को क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी सोल का पर्पस ये है डिवाइन फेमिनिन कि आप उसको देखकर ट्रिगर हो, आप उसको देखकर परेशान हो और इस लेवल तक परेशान हो कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो जाए, आप अपनी डिविनिटी में एंटर कर दो, आप एक हाई एस्टिंग लेडी बन जाओ, आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करो। इसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन की सोल ये सब जो भी अबाहरी आडंबर रचा रही है, जो खेल रचा रही है, इसलिए रचा रही है। उसकी सोल का पर्पस बहुत हायर पर्पस, एक बहुत ही जेंटल पर्पस है। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत प्यार करता है और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को डार्कनेस में नहीं देख सकता, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वीक नहीं देख सकता और इसीलिए वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प कर रहा है। सोल लेवल पर वो ठीक कर रहा है लेकिन बाहरी तौर पर उसका जो करने का तरीका है वो आपको ट्रिगर कर रहा है और इसलिए वो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि वो उसकी लाइफ का पर्पस है, आपको ट्रिगर करना ही उसकी लाइफ का पर्पस है और यही वो कर रहा है। उसका जो अनकंडीशनल लव है ना, वो आपको अनकंडीशनल लव सिखाना चाहता है। सीख लीजिए। अगर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को अगर नहीं पता होगा आज ये शब्द सुनकर शायद उनको झटका लगेगा, उनको ऐसा लगता है कि वो अनकंडीशनल लव करती है डिवाइन मैस्कुलिन से। नो, डिवाइन मैस्कुलिन का अनकंडीशनल लव तो देखिए आप, उसकी सोल का ही अनकंडीशनल लव है कि किसी भी तरीके से वो चाहे इमेच्योर की तरह बिहेव करे, प्लेबॉय की तरह बिहेव कर रहा है, वेगाबॉन की तरह बिहेव कर रहा है, कैसिनोवा की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बेवकूफाना हरकतें कर रहा है अपनी लाइफ में, क्यों उसकी सोल से ऐसा करवा रही है? ताकि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर कर सके, ताकि वो उसको चेंज कर सके, ताकि ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी वीकनेसेस को छोड़कर अपनी डिविनिटी में एंटर कर सके, वो एक हाई सेल्फ एस्टीम, एक अवेकन वुमन बन सके। इसके लिए ये सब कर रहा है वो। और उसने ये इन दोनों के बीच का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन दोनों के बीच का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसने अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुमको इस जन्म में तुम्हारी डिविनिटी में एंटर करवाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू टू टेक योर पावर बैक, तुम्हारी पावर वापस आ जाए उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प करूंगा? बाय कॉन्स्टेंटली ट्रिगरिंग यू, तुमको ट्रिगर करके तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इस तरीके से ये दोनों ही फ्रीडम पाएंगे, फ्रीडम मतलब मुक्ति पाएंगे, लिबरेशन पाएंगे। कैसे पाएंगे? डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करेगा, डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर होगी, वो अपनी डिविनिटी में एंटर होगी, डिविनिटी में एंटर होने के बाद वो लाइट में एंटर हो जाएगी, लाइट में एंटर होने के बाद वो डिवाइन मैस्कुलिन को डार्कनेस में से खींच के ऊपर लेके आ जाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन पहले डिवाइन फेमिनिन की हेल्प करेगा, फिर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्प करेगी और अल्टीमेटली दोनों ही एक अपनी फ्रीडम अचीव करेंगे, दोनों ही अल्टीमेटली अपनी फ्रीडम में एंटर कर जाएंगे। और ये सब कुछ 5D लेवल का काम है, ये सब कुछ आपके सोल लेवल पर। 3D लेवल पर क्या नजर आ रहा है? 3D लेवल पर धमा चौकड़ी हो रही है, 3D लेवल पर ड्रामा हो रहा है, 3D लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है ये एक नाटक है। ये यूं समझ लीजिए कि ये धरती एक थिएटर है, ये स्टेज दिया हुआ है आपको, आपकी सोल यहाँ पर प्ले कर रही है और जो आप वहां स्क्रीन पे लिख कर आए हो ना, अपने सोल बॉन्ड में जो आप स्क्रीन प्ले लिख कर आए हो, एग्जैक्टली वही तो आप कर रहे हो, वही तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन कर रहा है, जो उसको रोल दिया गया वही तो वो कर रहा है। तो आपको अपना रोल सही करने की जरूरत है। यहाँ पर गलती किसकी हो रही है? यहाँ पर गलती डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन तो अपना पार्ट ठीक कर रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन तो सोल पर्पज के हिसाब से चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन का तो पर्पज ये था कि वो आपको अवेकन करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए ये सारी हरकतें करे, लेकिन वो तो अपना रोल सही तरीके से कर रहा है। यहाँ गलत रोल कौन कर रहा है? यहाँ कौन अपने रोल को सही नहीं समझ रहा? वो डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन नहीं समझ रही है कि उसको अपनी लाइट में जाना है, उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसको अवेकन होना है, उसके लिए उसको ये सब ट्रिगर किए जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम के साइंस डिवाइन फेमिनाइन को ही क्यों नजर आते हैं? ट्विन फ्लेम ये जो सिंक्रोनिसिटीज नजर आती है डिवाइन फेमिनाइन्स को ही क्यों नजर आती है? एंजल नंबर्स नजर आते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स को ही क्यों नजर आते हैं? एंजल्स अगर बातचीत करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन से ही क्यों करते हैं? यूनिवर्स अगर कनेक्शन में आना चाहता है तो डिवाइन फेमिनाइन के क्यों कनेक्शन में? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ट्रैक से अलग हटी हुई है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्रैक पर नहीं चल रही। इसलिए यूनिवर्सल जितने यूनिवर्सल फोर्सेज हैं, सन मून, इसमें जो कार्ड में दिया हुआ है, ये सन, ये मून, ये वाटर, ये लैंड, ये एंजल्स, ये सब कुछ इस डिवाइन फेमिनाइन को याद दिला रहे हैं कि ट्रैक पर आओ, अपनी डिविनिटी में जाओ। तुम यहाँ पर लाइट में एंटर करने के लिए ये जन्म लिया तुमने, तो तुम अपनी लाइट में एंटर क्यों नहीं हो रही?
कि डिवाइन मैस्कुलिन को, ये डिवाइन मैस्कुलिन को क्यों साइंस नजर आएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन को क्यों सिंक्रोनिसिटी में, वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है ना, वो तो अपना रोल सही कर रहा है, तो उसको नहीं नजर आएंगे ये सब चीज, उसको जरूरत भी नहीं ये सब जानने की। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइज कहते हैं हम अपने ट्विन फ्लेम को बताएं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, हम उसको जगाएं। अरे तुम उसको क्या जगाओगे, वो ऑलरेडी बहुत जागी हुई सोल थी, वो आपसे पहले जागी हुई सोल है, वो आपसे ज्यादा अवेकन सोल है, वो यहाँ पर केवल एक रोल प्ले कर रही है एक अनअवेकन सोल का, ताकि आपको जगा सके। आए आपको समझ में बात? और ये पॉइंट, ये बात जिस डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आ जाती है ना, वो जिंदगी में कभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम नहीं करेगी, वो जिंदगी में कभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वापस आने का नहीं कहेगी, उसको चेज नहीं करेगी, उसको बदलने को नहीं कहेगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। वो इस चीज को समझेगी कि उसका इतना बड़ा त्याग वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर उसने इस तरीके की जिंदगी अपने लिए चुनी है ताकि मेरी हेल्प हो सके, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो करूं जो वो मुझसे करवाने के लिए इस दुनिया में आया है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी समझ है जो मुझे मैसेज मिला है, और ये मैसेज इस रीडिंग में तो मिला ही, आज दोबारा से मिला है, ये मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है कुछ समय पहले, कुछ करीब साल डेढ़ साल पहले ये मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग आपसे पहले हो चुकी है, डिवाइन मैस्कुलिन आपसे पहले ही अवेकन था, इस जन्म में या फिर किसी और पिछले जन्म में वो आपसे पहले अवेकन हो चुका था। उस समय में वो लिबरेशन के वर्ज पर था, उस समय वो चाहता था, वो मुक्ति में एंटर कर सकता था, वो मुक्ति में जा सकता था, पर उसकी डिवाइन फेमिनाइन, और ये भी जरूरी नहीं कि उस समय में वो मैस्कुलिन एनर्जी में था और आप डिवाइन फेमिनिन, ऐसा नहीं है, ये तो दो एनर्जीज हो सकता है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो इस समय जो डिवाइन मैस्कुलिन वो पहले फेमिनिन एनर्जी रही हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एक सोल की डिवाइन, एक सोल की अवेकनिंग पहले हो गई इस जन्म में या फिर किसी पिछले जन्म में, एक सोल की अवेकनिंग पहले हो गई, लेकिन वो अपनी मुक्ति में एंटर नहीं करी, वो अपनी ट्विन सोल को लाने के लिए फिर से रिटर्न तक हो गई है। ट्रैवल कार्ड ये दिखाता है यहाँ पर, इस डिवाइन मैस्कुलिन की जब अवेकनिंग हुई पिछले किसी जन्म में, और ये चाहता तो अपने मुक्ति में जा सकता था, ये चाहता तो अपने लिबरेशन में जा सकता था, ये नहीं गया, ये फिर से अपनी फेमिनिन की हेल्प करने के लिए है कि मैं जाऊंगा तो इसके साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, इस तरह की हेल्प के लिए ये 3D में एंटर हुआ। और जब ये 3D में एंटर हुआ, तो आपको पता है कि जब आप एक स्पिरिट रियल से 3D रियल में आते हो, तो आपको सोल पर्पस भूल जाते हो, आप अपना सोल कॉन्टेक्ट भूल जाते हो, आप अपना मिशन भूल जाते हो, यही इस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हुआ। ये आया अपनी फेमिनिन की हेल्प के लिए था, लेकिन हेल्प क्या करे, वो खुद आकर यहाँ आकर भूल ही गया कि उसका सोल पर्पस क्या था, कि वो एक ट्विन फ्लेम है, कि वो एक ट्विन जर्नी पर है, कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की हेल्प करने के लिए आया, तो भूल गया वो ये पर्पस, वो ये बात भूल गया, वो भूल गया, लेकिन उसकी सोल के अंदर वो इनबिल्ट है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है। ये ट्रैवल कार्ड यहाँ पर दिखाता है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को विंग्स लगे हुए, आप देखिए, ये डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी अवेकन था, ये डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी एंजेलिक रियल्स में एंटर करने के लिए एंटाइटल्ड था, और यहाँ पर ये प्लेन खड़ा हुआ, ये अपनी जर्नी पर चाहता तो आगे बढ़ सकता था, आपको छोड़कर आगे बढ़ सकता था, पर ट्रैवल, ये ट्रैवल और ये वेटिंग यहाँ पर वेट कर रहा है, ये ट्रैवल बैक करके आया है आपके लिए, ट्रैवल बैक करके आया है, ये वेट कर रहा है कि कब मेरी डिवाइन फेमिनिन अपनी डिविनिटी में आती है। आप देख रहे हैं ये डिवाइन फेमिनिन को विंग्स लगे हैं, ये मैस्कुलिन वेट कर रहा है, और ये आप देखें ये बैठा है, ये फीमेल फिगर खड़ी है, ये बैठा, मतलब ये वेट कर रहा है और ये वर्क कर रही है, इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है, ये अपना काम फिनिश करके एंजेलिक रियल में, स्पिरिट रियल में अवेकनिंग होने के बाद में ही इज वेटिंग फॉर यू डिवाइन फेमिनिन, कि कब आप अपनी अवेकनिंग में आती हो, कि कब आप उसके साथ जाने के लायक हो पाती हो, और आपको इस वक्त में अगर अपनी फ्रीडम में आना है, तो आप वर्क कर खड़ी हो, मतलब आप वर्क कर, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने अपना रोल अभी तक ठीक प्ले नहीं किया, इस बंदे ने अपना काम कर लिया, ये ठीक से रिलैक्स होकर बैठा है, आपकी वेट कर रहा है कि आप कब अपनी अवेकनिंग में आती हो, तब दोनों जने साथ जाएंगे, ये प्लेन लेकर खड़ा हुआ है आपके लिए, प्लेन रेडी खड़ा हुआ है, जैसे ही आप अपनी अवेकनिंग में आती हो, जैसे ही आप इस बात को समझती हो, वैसे ही इस लाइफ टाइम के बाद में आप दोनों स्पिरिट रियल में एक साथ जाओगे, और इसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन को वो सब नहीं करना है जो कि आपको जो मेडिटेशन करना है, आपको जो अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, जो भी काम इनर वर्क करना है ना, मोस्टली वो आपको करना है इस वक्त में। मैं ये नहीं कह रही कि डिवाइन मैस्कुलिन को काम करना ही नहीं, करना है उसको भी काम, लेकिन इस वक्त में आपका काम ये नहीं है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन को समझाओ कि तुम मेडिटेशन करो या तुम अपने ब्लॉकेजेस ठीक करो, आप कीजिए, आप काम कीजिए,
अभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहीं ज्यादा आगे है। अभी तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे हूँ डिवाइन फेमिनिन जर्नी में, मैं आगे हूँ ट्विन जर्नी में, मैं आगे हूँ। आपका मैस्कुलिन आपसे आगे है, आप पीछे हो, इसलिए आप काम करो। ये फ्रीडम जो आपको चाहिए आपके खुद के लिए और आपके मैस्कुलिन के लिए, जो अगर आपको ये फ्रीडम चाहिए और आप दोनों स्पिरिट रियल में जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप फ्री होना चाहते हो, तो रोना धोना ब्लेम करना शिकायतें करना बंद करो आप, ठीक है। आप अपना काम करो, डिलीजेंटली अपना काम करो। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन आप कहते हो ना कि मैं इसको ब्लॉक करती हूँ ये वापस आ जाता, मैं इसको ब्लॉक करती हूँ वापस आ जाता, वाई ये वो बार बार आ रहा क्यों है, बार बार रिटर्न बैक होके क्या उसकी सोल उसको भेज रही है, चेक करने के लिए भेज रही है। इस फैमिली ने अपना काम करना शुरू किया, ये अभी भी ये हुआ ही रोना धोना शुरू है इसका। इसकी मैस्कुलिन की सोल चाहती है आपको अवेकनिंग में देखना, इस मैस्कुलिन की सोल चाहती है आपको अपनी लाइट में देखना, और इसीलिए ये मैस्कुलिन आपको पीछा नहीं छोड़ता और ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देता। ये कमिटमेंट देने नहीं आया है, ये यहाँ पे आपके साथ रोमांस करने नहीं आया है। इसको पता है कि इस लाइफ टाइम में कमिटमेंट देना, मैरिज करना, बच्चे पैदा करना, ये आपकी सोल की और इसकी सोल का ये पर्पस नहीं है। इसका काम है आपको प्रॉपर ट्रिगर देना, ये अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहा है। अब आप भी अपना काम बिल्कुल ठीक से करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप दोनों आफ्टर दिस लाइफ दोबारा आपको इस लाइफ में ना आना पड़े। फ्रीडम ट्रैवल, आप फ्रीली ट्रैवल करके घूम सके, फ्रीडम ट्रैवल आप मुक्त आत्मा बन सके, आप मुक्त आत्मा बनने की दिशा में बढ़िए। यूनियन होना, कमिटमेंट देना, शादी करना, मैरिज करना, ये सब इस जर्नी का पर्पस है ही नहीं। इसलिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम करना बंद कीजिए। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डिवाइन मैस्कुलिन का सोल पर्पस क्या है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ वाज हिज लव जर्नी विद हिज डिवाइन फेमिनिन, इसकी डिवाइन फेमिनिन के साथ लव जर्नी कैसे चली, तो ये ट्रैवल कार्ड आया। इसकी लव जर्नी चल रही है, इसकी जो लव जर्नी चल रही है ना, इसमें आप देखेंगे कि ये बैठा है, इसकी जर्नी ही ऐसी है कि इसको नहीं कुछ करना है, ये इसको सिर्फ बैठ कर वेट करना है, जर्नी आप ही को करनी है, चलना आप ही को है, काम आप ही को करना है। ये सिर्फ यहाँ पर बैठा बैठा ट्रिगर करने का अपना जो काम है वो कर रहा है, और ये जब चाहे ना, जब चाहे ये इस लाइफ से इसकी सोल जो है डिपार्ट हो सकती है, अर्थ रियल से इसकी सोल डिपार्ट हो सकती है, बट ये आपकी बैठकर आपकी वेट कर रहा है। यहाँ पर इसने प्रीवियसली मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस अचीव कर ली थी, रुका हुआ है तो आपके लिए रुका हुआ, प्लेन इसकी वेट कर रहा है, पर ये आपका वेट कर रहा है। तो आप अपना काम प्रॉपरली कीजिए, आप अपना ये इसके साथ आपकी लाइफ क्यों नहीं आ, ये चुपचाप क्यों बैठा इस लव लाइफ में, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये स्टैग्नेंट क्यों है, ये स्टैग्नेंट होकर कुछ ना करके आपको ये ट्रिगर कर रहा है कि आप स्टैग्नेंट मत बैठे रहो, आप अपनी आप कुछ करो, आप आगे बढ़ो, आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइट में अपनी दिशा में आप आगे बढ़ो, ये आपको संदेश देना चाहता है इस समय में। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने किया था, हाउ दिस लव चेंज हिज सोल, उसकी सोल किस तरीके से चेंज हुई। देखिए उसकी सोल की बहुत सारी बातें हैं, देखिए इसकी सोल ने ना इस कार्ड से मुझे क्या मैसेज मिला, इसकी सोल ने ना पेशेंस सीखा, धैर्य सीखा, कारण कि ये इसकी जो सोल थी ये ऑलरेडी अवेकन थी, ये चाहता तो मुक्ति पा सकता था, और इसने डिवाइन के साथ में एक तरीके से पंगा मोल लिया, आपके लिए इसने पंगा मोल लिया, और डिवाइन का इसको मैसेज था, इसकी सोल को मैसेज था, वेट करो स्पिरिट रियल में रहकर इस फेमिनिन की वेट करो, डिवाइन टाइमिंग में इसकी अवेकनिंग होगी, ये ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ आ जाएगी, स्पिरिट रियल में आ जाएगी, तुम इसकी हेल्प करने के लिए फिर से अर्थली प्लेन्स पर मत जाओ। लेकिन ये नहीं माना, इसने जिद करी, ये ट्रैवल का कार्ड है ना, ये ट्रैवल करके आया है, अपनी फ्रीडम को छोड़कर आया, अपनी फ्रीडम को छोड़कर इसने ये वापस से आया, जो आप देख रहे हैं ये पोर्टल खुला हुआ है, इस पोर्टल में से एंटर करके इस फेमिनिन के लिए फिर से 3D रियल में ये आया, क्योंकि इसको धैर्य नहीं था, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस नहीं था, क्योंकि इसको लगता था कि मैं अपनी फेमिनिन के बिना नहीं जाऊंगा, इस फेमिनिन को इस पोर्टल में से लेकर जाऊंगा, इसको मुक्ति की दिशा में मैं लेकर जाऊंगा। तो दो तीन बातें थी, एक तो इसका धीरज, जो इसके अंदर धीरज नहीं था, ये वेट नहीं कर सका अपनी फेमिनिन की, वेट नहीं कर सका, क्योंकि ये उसकी ब्यूटी के लिए, उसकी खूबसूरती, उसका जो अट्रैक्शन था, ये उसका उस मोह को भी त्याग नहीं कर सका, और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर लस्टफुल एनर्जी थी, डिवाइन फेमिनिन को पाने की जो लस्ट इसके अंदर थी, जो वासना, जो काम इसके अंदर था, वो इसको फिर से ले आया इस 3D रियल के अंदर, और इसको ये भी था कि
मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की सोल जर्नी को मैं उसको ट्रिगर कर दूं, मैं उसको एनहांस कर दूं, मैं उसको जल्दी 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 अवेकनिंग में ले आऊं। तो मतलब आपकी सोल जर्नी को, आपकी डेस्टिनी को इसने अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करी। ये सारी इसकी गलतियां थी जो इसने की, और इन्हीं गलतियों पर सबक अब इसको इस लाइफ जर्नी मिल रहा है। अब उसने इस जर्नी में यहाँ रहकर क्या सीखा है, तो उसने ना पेशेंस सीखा, अब वो आपको पा नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। स्थितियां ऐसी हैं कि धैर्य करने के सिवा कोई चारा ही नहीं, धैर्य रखने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा, वेट करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। आपकी ब्यूटी को, आपकी खूबसूरती को दूर से बैठकर देखे और दूर से बैठा बैठा उसको एंजॉय करे या उसको एडमायर करे, इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। और यही तो उसको डिवाइन कह रहे थे कि दूर बैठकर देखो, वेट करो, रिलैक्स हो, पेशेंस रखो, ये डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन टाइमिंग में अवेकन हो जाएगी, आ जाएगी तुम्हारी तरफ। लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन नहीं माना, इसको कंट्रोल करना था अपनी डिवाइन फेमिनिन की जर्नी को, इसको पाना था अपनी डिवाइन फेमिनिन को, इसको लेकर जाना था अपनी डिवाइन फेमिनिन को। और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि वो जब आया तो वो डार्कनेस में गिर गया, भूल गया अपना सोल मिशन, अपना हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस, भूल गया, डार्कनेस में गिर गया, कार्मिक्स के साथ में मैसअप हो गई उसकी लाइफ पूरी मैसअप। आपकी हेल्प करने आया था, खुद मैस में फंस गया, आपको लाइट में ले जाने आया था, खुद डार्कनेस में चला गया। और इस डार्कनेस में, इस मैसअप में अब वो क्या सीख रहा है, अब वो सीख रहा है पेशेंस, अब वो सीख रहा है वेट करना, अब वो सीख रहा है कि अगर किसी से अनकंडीशनल लव है तो वेट करो, लस्टफुल एनर्जीज में चल के दौड़ कर उसकी तरफ जाके उसको पाने की जरूरत नहीं है। और अब वो समझ में आ रहा है कि प्यार जो होता है ना, लव, एक्चुअल लव, अनकंडीशनल, उसमें एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी तो उसको बैठकर वेट करना चाहिए था। तो अब वो ये चीज को समझ रहा है कि प्यार अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन रहित प्यार कैसा होता है, वो ये बात ये अब समझ रहा है। और उसको अब ये भी समझ आ रहा है कि हर चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, दुनिया की हर चीज को मेरे हिसाब से मैं नहीं चला सकता, दूसरे की सोल जर्नी को, दूसरे के भाग्य को, दूसरे के भविष्य को मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं नहीं बदल सकता। ये सारे लेसन वो इस समय में सीख रहा है। और ये भी कि जो कुछ मैं चाहता हूँ सब मुझे मिल जाएगा, जब मैं चाहूंगा तब मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिवाइन विल होती है, डिवाइन टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये सारी चीजें अब ये सीख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन। और ये डिवाइन मैस्कुलिन ड्रीम रिलेटेड दूर बैठा बैठा आपसे अलग, आपसे सेपरेशन में रहकर आपके ख्वाब देखता है, आपके ख्याल देखता है। इसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी लाइफ बना ली जिसमें वो और आप एक साथ हैं। ये आपको अपने साथ देखता है, हर समय आपकी ब्यूटी को दूर से एडमायर करता है। और ये आपको ऐसी चीज देखता है, ये मेरी जिंदगी में हुई अब तक की सबसे खूबसूरत चीज है जो मेरे साथ अब तक घटी है। और आप एक ऐसी लेडी है जिसने इसको इसकी डार्कनेस से निकालने के लिए ट्रिगर किया, क्योंकि ये डार्कनेस में है अब ये डार्कनेस में है। तो आप इसको कैसे लाइट में लाने की कोशिश करें, ये सब प्रयास वो देख रहा है, ये सब वो कुछ समझ रहा है, ये सब वो देख रहा है। और वो आपकी बहुत प्रशंसा करता है दूर से, आपकी ब्यूटी की, आपकी विजडम की, आपके प्यार की वो काफी कद्र करता है, रेस्पेक्ट करता है। और बार बार वो उन चीजों को याद करता है, वो आपके साथ जो बिताए गए पल थे वो उन पलों को याद कर रहा है। लेकिन इस दूरी ने, इस सेपरेशन ने उसको जो सीख देनी थी ना, उसकी सोल को जो सीख देनी थी, वो सीख जरूर से दी है। पेशेंस, वेट, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैन नॉट हैव ऑल व्हाट एवर यू वांट, ये सारी सीख आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल को इस समय में मिल रही है। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था, व्हाट ही गेन्ड फ्रॉम दिस लव, उसको इस लव से क्या मिला है। और यहाँ पर कार्ड द लाइट फील्ड कार्ड मेरे पास में आया है, उसको इस प्यार से क्या मिला है या उसको इस प्यार से क्या जाके मिलेगा, उसको इस ये प्यार ही उसको इस उसकी डार्कनेस से लाइट की तरफ अब लेकर आएगा, उसकी अनअवेकनिंग फेस से उसको वापस अवेकनिंग में लाने का काम ये प्यार ही करेगा। वो इस वक्त में अपनी कार्मिक सिचुएशंस के अंदर स्टक है, या फिर वो आपके साथ में नहीं जा सकता, लेकिन वो आपको बार बार कहता है कि एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ में एंटर कर जाओ। यहाँ पर एक फीमेल फिगर है, यहाँ पर मैस्कुलिन है, आपका मैस्कुलिन है, ये बैरियर है, यहाँ पर फेमिनिन फिगर है और ये लाइट है। इस प्लेस से बैठा हुआ ये मैस्कुलिन बार 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 अपनी फीमेल को कहता है कि एंटर इनटू योर लाइट, यू एंटर इनटू योर लाइट, तुम अपनी लाइफ में चली जाओ, तुम अपनी लाइट में चली जाओ, डोंट वेट फॉर मी, और जो गलती मैंने करी वो गलती तुम दोबारा मत करना। मैं तुम्हारे लिए लाइट से लौट कर डार्कनेस में आया, तो ये गलती मैंने करी, ये गलती अब तुम मत करना। अगर तुम लाइट की तरफ जाने के लिए डोर ओपन हो रहा है, अगर तुम्हें अवेकनिंग मिल रही है, तुम चली जाओ उस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, चली जाओ उस लाइट की तरफ, तुम चली जाओ।
क्योंकि एक बार जो लाइट जो दो में से एक तो कम से कम लाइट फील्ड में हो तो दूसरे को डार्कनेस में निकाल पाएगा, आप भी कूद जाओगे उसके लेवल पर तो उसको कैसे निकाल पाओगे। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस लव में खुद भी सीखा है और ये आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे चेज मत करो, मुझे मेरे पीछे मत आओ, तुम आगे 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 जाओ ताकि मेरे लिए भी रास्ता खुलेगा, आगे आने का रास्ता खुलेगा। और ये जो बैरियर है ना, ये जो आप दोनों के बीच में जो बैरियर आ गया है, इसकी सोल क्रेव कर रही है मैं कैसे इस बैरियर को तोड़ दूं, मैं कैसे लाइट फील्ड की तरफ चला जाऊं, मैं कैसे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ चला जाऊं। पर इसने जो गलती कर दी है ना, कंट्रोल करने की कोशिश, चेज करने की कोशिश करना, इस गलती की वजह से ये अभी इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है। और इसीलिए क्योंकि इसने चेज ही किया था, आपको लगता है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन रनर है, डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअल में चेजर है, ये चाहता तो जा सकता था, ये आपको चेज करता हुआ ही तो फिर से 3D रियल में आई, आपको चेज करता हुआ ही तो डार्कनेस में आ गया वापस। तो इसकी सोल आप ये सीख रही है, चेज नहीं करना, चेज नहीं करना, दूसरे के पाथ को चेंज करने की कोशिश नहीं करना, दूसरे की सोल जर्नी को अफेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, चेज नहीं करना। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन का जो 3D सेल्फ है वो चेज नहीं करता, वो रन करता है, भागता है, उसको पता है चेज करने का क्या नतीजा होता है। और जब आप उसको चेज करते हैं तो वो क्यों इरिटेट होता है, जब आप उसको चेज करते हैं उसको क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि उसको पता है कि चेजिंग गलत है, चेज करना बिल्कुल गलत है, चेज करना ही नहीं है इस जर्नी में, एक दूसरे को चेज नहीं करना है, चेज करना तो लाइट को चेज करना है, चेज करना है तो अपनी कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को, सुपर कॉन्शियसनेस को चेज करना है, एक दूसरे को चेज नहीं करना है। और इसी तरीके से आप एक दूसरे को ऊपर उठा पाओगे, एक दूसरे के पीछे जाकर एक दूसरे को नहीं उठा पाओगे, ऊपर 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 उठकर एक दूसरे को ऊपर उठा पाओगे। और यही बात डिवाइन मैस्कुलिन खुद समझ रहा है और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं समझने की कोशिश करो, उसके पीछे के पर्पज को समझने की कोशिश करो, डोंट हेट मी, डोंट कर्स मी, अपने प्यार को मेरे प्रति अनकंडीशनल लव से भरो, मेरे प्रति फॉरगिवनेस से भरो और अपनी लाइट में जाओ, अपनी डिविनिटी में जाओ। यहां पर बैठकर रोते रोते अपना समय बर्बाद मत करो, गॉड्स किंगडम में तू एंटर करो और मेरे एंट्री का रास्ता बनाओ तू, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे चाहता है। और अल्टीमेटली फिर मेरे पास कार्ड है इस क्वेश्चन पे कि वेयर यू टू आर हेडिंग टूवर्ड्स, तो मेरे पास में यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड आया है इसके लिए, वेयर यू टू और वेयर ही इज हेडिंग टूवर्ड्स। तो जो ये जो कार्ड है ना, क्रिएटिविटी कार्ड पावर ऑफ लव में से मैंने लिया हुआ है, तो इस लव ने आपके साथ इसका जो लव है इसको इसने एक नई तरह की लाइफ जीना सिखाया, क्रिएटिविटी इस सोल को नई तरीके से जीना सीखा है। पहले ये चेजिंग एनर्जी में होता था, पहले ये कंट्रोलिंग एनर्जी में होता था, मैं कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर लूंगा, अब ये क्रिएटिविटी वाली एनर्जी में आया है कि अपने लिए एक ऐसी अलग डिफरेंट, जो अब तक ये नहीं जिया उस तरह की लाइफ अब ये जीना चाहता है, अपने लिए एक मीनिंगफुल लाइफ ये बनाना चाहता है। और ये आपसे भी यही कह रहा है कि अपने लिए एक सक्सेसफुल मीनिंगफुल लाइफ बनाओ और मेरा पीछा तुम मत करो, तुम्हारा पीछा मैंने करूं, अगर हमें करना ही है पीछा तो हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी का पीछा करें, हम अपने अपनी क्रिएटिविटी इज कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी इज ईश्वर है, क्रिएटिविटी भगवान है, अगर हमें पीछा ही करना है तो हम भगवान का पीछा करें, हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी का पीछा करें। क्रिएटिविटी कार्ड का ये मतलब ही है कि डिवाइन ने उसको सीख दी है कि इस फेमिनिन के पीछे पड़ने के सिवा और भी दुनिया में काम है, लाइफ में जिंदगी को फुलफिल करने के लिए इसी फेमिनिन का होना जरूरी नहीं है, आप अपने आप में भी फुलफिलमेंट पा सकते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट जिंदगी जी सकते हो, इस फेमिनिन की जरूरत तुमको नहीं है और किसी को भी किसी की जरूरत नहीं है, किसी सोल को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये लेसन ये सीख रहा है और आपको भी सीखना चाहिए, आपका लाइफ जर्नी इस डिवाइन मैस्कुलिन के बिना कंप्लीट नहीं होगी, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, और इस डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जर्नी आपके बिना कंप्लीट होगी ऐसा भी नहीं होता। तो आप दोनों को ही अपनी अपनी क्रिएटिविटी में जाने की जरूरत है, अपने अपने फुलफिलमेंट में जाने की जरूरत है, आप अपने आप में कंप्लीट सोल हो, ना आप डिवाइन मैस्कुलिन से कंप्लीट होती हो ना डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कंप्लीट होता है, आप दोनों ही अपने आप को कंप्लीट करने की दिशा में, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की दिशा में आप दोनों आगे बढ़ें और आप दोनों ही एक दूसरे को इंस्पिरेशन दें कि आप उनको इंस्पिरेशन दें कि मेरे बिना अपनी जिंदगी बनाओ और वो आपको इंस्पिरेशन दें कि मेरे बिना अपनी जिंदगी बनाओ। ये है आप दोनों को सीखना इस जिंदगी में आपको, और एक दूसरे को यही सिखाने के लिए आप आए हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन समझती है इस चीज को, इस डायनेमिक्स को समझती है, जो 3D में हो रहा है वो फॉल्स है, जो 3D में हो रहा है वो इल्यूजन है, जो 5D में हो रहा है वो सच है। 5D में ये हो रहा है कि ये सोल्स एक दूसरे को लेसन दे रही हैं और ये सोल्स एक दूसरे से लेसन सीख रही हैं, और जिन्होंने सीख लिया है उन्होंने जीना सीख लिया, उन्होंने अपनी डिविनिटी में एंटर कर लिया, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी में एंटर कर लिया, वो एक दूसरे को चेज नहीं कर रहे, वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे,
वो बहुत खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसी डिवाइन सोल जी रही है। धरती पर है ऐसे डिवाइन सोल जो डिवाइन यूनियन अचीव कर चुके हैं, जो अब एक दूसरे की यूनियन के लिए पीछे नहीं पड़े हैं, मुझे तो यूनियन चाहिए ही चाहिए ऐसी वाली एनर्जी में नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे, और ऐसी एनर्जी में है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जिनको यूनियन नहीं चाहिए, जिनको अपना मैस्कुलिन नहीं चाहिए, जिनको अपनी फेमिनिन नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जो लेसन सीखना था वो जो सोल पर्पस लेकर आए थे उन्होंने ले लिया है वो लेसन। और जितना जितना आप डिवाइन फेमिनिन अपने अलाइनमेंट में आती जाओगी ना, जितना जितना आप हायर सेल्फ के साथ में कांटेक्ट में आती जाओगी, उतना उतना आप इस डिवाइन मैस्कुलिन को इस डार्कनेस से निकलने में आप हेल्प करोगे। आप जितना लाइट की तरफ बढ़ोगी ये डिवाइन मैस्कुलिन भी उतना ही लाइट की तरफ बढ़ेगा। अपने मैस्कुलिन की हेल्प करना है तो लाइट की तरफ बढ़िए। और उसके बाद में मेरे पास कार्ड है सरेंडर कार्ड, तो इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट ही विल लर्न एंड अंडरस्टैंड, उसको क्या सीखने को मिला। सरेंडर सीखने को मिला ना भाई, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाह रहा था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आ जाऊं, मैं अपनी फैमिली, तो सरेंडर सीख गया। यहां आकर उसको पता चल गया मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है, मुझे को डिवाइन विल के अकॉर्डिंग चलना है, मुझको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, मैं सरेंडर करता हूं। आप देखें डिवाइन मैस्कुलिन जो आप कहते हैं लेकिन नॉन एक्शन के मोड में, कुछ करता नहीं, कुछ एक्शन नहीं करता, वो सरेंडर के मोड में है। 3D में नहीं लेकिन 5D में वो सरेंडर के मोड में, जो होगा जैसा होगा जब होगा, ईश्वर की मर्जी होगी तो हो जाएगा, ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो नहीं होगा। इस तरह के सरेंडर मोड में आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल है, उन डिवाइन मैस्कुलिन की सोल जिनकी फेमिनाइन लाइट में एंटर कर चुके, उनके डिवाइन मैस्कुलिन सरेंडर मोड में आ चुके। और अभी आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन कहेंगे नहीं नहीं हमारा मैस्कुलिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप कहां से कौन सी, इसमें कोई डिविनिटी नहीं है, वो तो कम्प्लीटली ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन में वीकनेसेस है ना, आपका डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन अभी डार्कनेस में है ना, उसको अवेकनिंग नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल मंकी जंपिंग कर रहा है, बिल्कुल बेवकूफाना हरकतें कर रहा है ना, इसका मतलब है कि आप ट्रैक पर नहीं आई हो, इसका मतलब है कि आप में अभी तक एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई। आपकी अवेकनिंग होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी तो अवेकनिंग हो जाए, आप एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाए, आपका डिवाइन मैस्कुलिन उसी बंदर वाली हरकतें करता रहे, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप अपने मैस्कुलिन को देख रही हो बंदर की तरह जंप कर रहा है इधर से उधर, दैट डज मीन्स कि आप भी कहीं ना कहीं, आई डोंट वॉन्ट टू से, आप अपने आप को सुधारिए, आप अपनी डिविनिटी में एंटर कीजिए, आप अपनी एलिगेंसी में, अपनी 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 अवेकनिंग में आप एंटर कीजिए ना, आप देखेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की कूदा फांदी बंद हो जाएगी, आपका डिवाइन मैस्कुलिन उस लाइट में आ जाएगा जो मैंने बोला, अपनी क्रिएटिविटी में एंटर कर जाएगा। अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, सिंसियर रहना अपनी लाइफ के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपने स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, हर जगह पे आपको उसके अंदर वो डिविनिटी नजर आने लगी। कब? जब आप खुद भी तो डिवाइन होंगी तब ना। तो जिन जो फेमिनिन अभी भी अपने मैस्कुलिन से शिकायतें कर रही है, उनको ब्लेम लगा रही है, उनसे परेशान हो रही है, दैट डज मीन्स कि आप में अवेकनिंग नहीं आई है, इसलिए आपके मैस्कुलिन इस तरह से हरकतें कर रहा है। आपकी जिस दिन लाइट अवेकनिंग हो जाएगी, जिस दिन आपकी सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर जाओगे, उस दिन आपको दिखेगा कि आपका मैस्कुलिन क्रिएटिविटी में एंटर कर गया, वो सरेंडर में एंटर कर गया। आप क्रिएटिविटी में एंटर करोगी, आप सरेंडर में एंटर करोगी, तो उसके बाद आपका मैस्कुलिन क्रिएटिविटी और सरेंडर में एंटर करेगा। ये जो द लाइट फील्ड है ना, वो यही बात कह रहा है। आप लाइट में गई नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन जंप करके आपकी जगह पर आया नहीं, तो ये सरेंडर कार्ड यही बता रहा है। और इस सरेंडर की एनर्जी में सारे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होंगे, कुछ होंगे जिनकी फेमिनाइन भी उस लेवल पर पहुंच गई हो उनके। अब डिवाइन मैस्कुलिन को सरेंडर कार्ड में पावर और कंट्रोल का मतलब, पावर का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, दूसरों को कंट्रोल करना कंट्रोल है, अपने आप को कंट्रोल करना पावर है। असली पावर कहाँ है? सेल्फ कंट्रोल में असली पावर है। ये बात डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं, कंट्रोल क्यों कर पा रहे हैं वो अपने आप को। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स कह रहे हैं हमारे मैस्कुलिन बदल रहे हैं, पहले जैसी कैसिनोवा एनर्जी में नहीं है, वेगाबॉन्ड एनर्जी में नहीं है, कारण कि वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल और पावर के बीच का अंतर समझ रहे हैं। और अब उनकी सोल इस बात को समझ रही है कि हर एक सोल की यूनिक पाथ है, मुझे दूसरे की सोल के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं। आपके लाइफ पाथ को आपका मैस्कुलिन क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा, आपकी लाइफ के वो क्यों नहीं कुछ बोलता आपको, जैसा आप कर रही हो क्यों करने देता है? क्योंकि वो समझ रहा है कि भैया अब मुझे और डिस्टर्बेंस नहीं करना, डिवाइन विल में अपनी टांग नहीं घुसानी है मुझे। और यही बात वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं नहीं अवेक हो रहा, मेरे अंदर कुछ सुधार नहीं आ रहा, तो मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, तुम अपना सुधार करो, मेरा सुधार डिवाइन टाइमिंग में अपने आप हो जाएगा, मेरा तुम्हारा एक सोल कनेक्शन है, तुम आगे बढ़ोगी तो मैं ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे पीछे आता जाऊंगा, मुझे लेने के लिए तुम्हें रिटर्न बैक होकर आने की जरूरत नहीं है, जो गलती मैंने करी वो गलती तुम्हें करने की जरूरत नहीं है।
इस तरह की सीख आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस जन्म में ले रहा है। और उसके बाद हमारे पास कार्ड क्वेश्चन है, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस सबका नतीजा क्या निकलने वाला है। एक्सचेंज इन गिफ्ट कार्ड है मेरे पास में, आपका डिवाइन मैस्कुलिन ना समझेगा इक्वल गिव एंड टेक का मतलब, समझा इक्वल गिव एंड टेक का मतलब है, एक तो ये कि हिसाब बराबर हुआ, एक बार गलती उसने करी वो वापस रिटर्न बैक होकर आया, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आपको वही की भी गलती वापस से नहीं करनी, जो उसने किया वैसा आपको नहीं करना। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब उसने आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो अब आपका नंबर है उसके लिए सेक्रीफाइस करने का, वो आपके लिए डार्कनेस में है, तो अब आपका ड्यूटी बनता है कि उसको उसके डार्कनेस में से बाहर निकाले। कैसे निकालेंगे, उसको चेज करके निकालेंगे? नो। उसको व्याख्यान देकर निकालेंगे? नहीं। उसको प्रवचन देंगे, उसको सिखाएंगे, उसको समझाएंगे? नहीं। आप अपने आप पर काम करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगी, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी, आप सरेंडर करेंगी, आप अपनी क्रिएटिविटी में एंटर करेंगी, आप अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाएंगी, आप एज अ ह्यूमन बींग के हाई सेल्फ एस्टीम्ड ह्यूमन बींग की तरह एक इंडिपेंडेंट लेडी की तरह जीना शुरू करेंगी ना, तब आप इक्वल गिव एंड टेक में आएंगी, तब आप उसका हेल्प करेंगी। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे चाह रहा है, और ये होगा। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट का मतलब ये है कि उसने आपके लिए एक बड़ा त्याग किया, बलिदान किया है, और अब आपका नंबर है बलिदान करने का, त्याग करने का, और वो तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दी। अगर आप इस तरीके से जाएंगी तो उसके किए हुए इस एहसान का बदला चुका पाएंगी, और उसके लिए और अपने लिए दोनों के लिए फ्रीडम का टिकट आप खरीद पाएंगी, और ये ट्रैवल आप उसके साथ में कर पाएंगी, और ये डेफिनेटली होगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट कार्ड ऐसा होने ही वाला है। आज या कल, आगे या पीछे, एक अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन है तो आप इस चीज को समझेंगी कि यहाँ पर इस गेम पर इस थिएटर में, इस स्टेज पर आपका क्या रोल है और आपको उसको किस तरीके से ठीक तरीके से निभाना है, वो आप समझ जाएंगी। आप लाइफ में एंटर करेंगी, आप फ्रीडम अचीव करेंगी, आप इस 3D प्लेन से ट्रेवल करके बाहर जाएंगी, और आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको फॉलो करता हुआ इस डार्कनेस में से बाहर निकल जाएगा, और आप दोनों एक बार फिर से हायर स्पिरिट रियल में आप मिलेंगे। यूनियन आपकी होगी, वहां पर होगी, आप दोनों एक अनकंडीशनल लव एनर्जी में फिर से टैपिंग करेंगे। भले आपका डिवाइन मैस्कुलिन को समय लग सकता है अपनी वीकनेसेस को छोड़ने में, इस डार्क फेज से बाहर निकलने में उसको कुछ समय लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन अवेकनिंग आपके मैस्कुलिन की जरूर होगी। वो इस 3D मैट्रिक्स में भी जागेगा, जितना जागा हुआ वो 5D में है ना, उतना ही वो 3D में भी जागेगा। आपने कई बार महसूस किया होगा, आपको जब आप विजुअलाइज करते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा मैस्कुलिन 5D में अवेकन है, मेरा मैस्कुलिन को 5D में वो सोया हुआ नहीं है, 5D में उसको सब नॉलेज है, 5D में वो अवेकन है। वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड कैसे हो पाता है? क्योंकि वो 5D में अवेकन है। और ये जो कार्ड है द लाइट फील्ड कार्ड, इसका मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी के आसपास हमेशा बने हुए रहता है, क्योंकि 5D में वो अवेकन है। असली में वो कोई डम सोल नहीं है, वो सच में एक अवेकन सोल है। और कई डिवाइन फेमिनाइन ये एक्सेप्ट करती होंगी, और शायद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको पता है कि 5D में आपका मैस्कुलिन काफी अवेकन है, और उसी अवेकंड स्टेज पर इस लाइफ टाइम के बाद आप दोनों वापस से पहुंच जाओगे, और उसने ये जो त्याग किया है, उसने ये जो परिश्रम किया है, श्रम लगाया है, वो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आप अपनी अवेकनिंग में आओगी, आप एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होगी, और आपके एक डिविनिटी में एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अपनी डार्कनेस से बाहर निकलेगा, वो अपनी अवेकनिंग में आएगा। आपको चेज नहीं करना, आपको उसको जाकर निकाल के नहीं लाना, वो खुद निकलेगा। आप ऊपर बढ़ती जाइए, वो आपके साथ जुड़ा हुआ ऊपर 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 बढ़ते जाएगा, और इस तरीके से आप दोनों ही अल्टीमेटली अपने डिवाइन सेल्फ को आप दोनों ही पहचान जाओगे, और आप दोनों ही गॉड्स किंगडम में एंटर कर जाओगे। आप दोनों की डिवाइन यूनियन जरूर से हो जाएगी, इस प्लेन पर ना सही तो उस प्लेन पर आप वैसे तो यूनियन में हो ही, लेकिन स्टिल आपकी जो आपको जो अचीव हो रहा है, आपको जो सेंस ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन का सेंस खत्म हो जाएगा जब आप पूरी अवेकन होगी और आपका मैस्कुलिन पूरा अवेकन होगा। अगर ये इसी जन्म में यही 3D लेवल पर हो पाया तो इसी जन्म में आपको ये सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म हो जाएगा, आपको सेंस ऑफ यूनियन अचीव होगा, और यही सेंस और यही यूनियन आप 5D में भी अचीव कर पाओगे। और बहुत सारी फेमिनाइंस ऐसी हैं जो इस लेवल को अटेंड कर चुकी है, उनको सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं हो सकता, उनको सेंस ऑफ यूनियन है हर समय, चाहे वो 3D में है चाहे वो 5D में, उनको पता है कि वो एक सोल मिशन पर है। उनका मैस्कुलिन अपना पार्ट ठीक तरीके से कर रहा है, वो अपना पार्ट ठीक तरीके से कर रही है। देर इज नो पेन, देर इज नो सेपरेशन, देर इज यूनियन, देर इज ऑलवेज यूनियन। इस तरह की एनर्जी में बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है, और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन आ जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग
ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन सोल जर्नी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।